हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन पैसा कमाने की, आप तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे आप एक एक्स्ट्रा अपनी इनकम डेवलप कर सके, फ्रीलांस पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आप अपने दिन के कुछ 15-20 मिनट, आधा एक घंटा इन्वेस्ट करके आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, और वो भी घर बैठ के ऑनलाइन काम करके। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो इसको एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो कीप वॉचिंग। सो काम क्या है इस वेबसाइट पे? काम ऐसा है कि आपको अपने रिव्यूज़ देने हैं, अपने ओपिनियंस देने हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो सिंपलर मैनर में मैं अगर आपको समझाऊं, आप अपने वो दिन याद करो जब आप छोटे होते थे अपने बचपन में और आप पहली बारी किसी एम्यूजमेंट पार्क गए थे। अगर आप दिल्ली से, दिल्ली के आसपास ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अप्पू घर पता होगा सबको। तो आप जब अप्पू घर जाते थे उसके बाद आप वो राइड्स लेते थे, ठीक है, वो बम्पर कार चलाते थे, वो हॉन्टेड वेला में जाते थे। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करके जब घर आते थे अगले दिन, आप अपने दोस्तों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते थे कि वो राइड अच्छी थी, वो ऐसी थी, मैं यहाँ गया था, खाना ऐसा था। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस हैं ये आपको शेयर करने होते हैं। जैसे आप शेयर करते हो वैसे ही आपको ये सारे एक्सपीरियंस वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में शेयर करने होते हैं। सो वेबसाइट का नाम है usertesting.com। अगर आप काफ़ी टाइम से सर्च मार रहे हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे अर्न करें, तो आपने इस वेबसाइट का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि वो जो बोलते हैं कि आप $10 पर टास्क कमाते हो या फिर $60 पर टास्क कमा सकते हो, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, ये सब मैं इसमें डिस्कस करूँगा। आइए इसका खुलासा करते हैं। एंड वो सब करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या चीज़ें चाहिए ये काम करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आपकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको एक लैपटॉप चाहिए या फिर आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए एंड आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है जो आपकी वॉइस कैच कर लेता है। पर अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन चाहिए। जैसे ये मैंने चीज़ लगाई हुई है, ये एक माइक है, तो आप ये माइक खरीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। मैंने तो ये लिया था यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, पर अगर आप कॉन्टेंट, वीडियो कॉन्टेंट भी आगे क्रिएट करना चाहते हो तो ये माइक अच्छा है। एंड सेकेंडली, माइक की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपने जो अपने रिव्यूज़ बताने हैं, जो आपने अपने एक्सपीरियंस बताने हैं, वो आपने अपना वर्बली बताना है, ठीक है। कोई रिटन काम नहीं करना इस वेबसाइट पे, आपने वर्बली अपने ओपिनियंस देने हैं। सो आपने इसमें क्या करना है, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ये बताया था, वो एम्यूज़मेंट पार्क का एग्जांपल लेके, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कोई एम्यूज़मेंट पार्क का रिव्यू तो इसमें शेयर नहीं करना। आपको बेसिकली शेयर करने हैं अपने रिव्यूज़, अपने एक्सपीरियंस वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में। तो ये जो वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, ये आपको वेबसाइट जो यूज़र टेस्टिंग है वो आपको देगी, तो आपने उसको देखना है और अपना एक स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको आती होगी एंड वो आपको एक टूल देंगे, एक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जहाँ से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो अपलोड होगी। तो इन अ सिंपलर मैनर अगर मैं समझाऊँ तो आपकी पहले इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है। आपके जितने रिव्यूज़ हैं ये ग्लोबली, ग्लोबल मार्केट में टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपके जो टेस्ट हैं ये ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। एंड सेकेंडली क्या है, आपने इसमें अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देने हैं। आप अगर 10 वीडियोस देख लो या 10 रिव्यूज़ पढ़ लो और वो आपको समझाएं कि आपने ऐसे ऐसे बात करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको नो फिल्टर वीडियो बनानी है, जो आपको अच्छा लगा आपने वो बताना है, जो आपको बुरा लगा वेबसाइट में वो बताना है, कोई बग्स हैं आपको उनके बारे में बताना है, कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे वो बताना है। जैसे कि सपोज़ करो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट कर रहे हो एंड उसका नीचे चैटबॉट आ रहा है और वो चैटबॉट बार बार ही खुल खुल के आपको तंग कर रहे हैं, तो आप वो ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हो कि ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। और बाकी उसमें
कुछ सेट क्वेश्चंस भी होते हैं जो कंपनीज आपसे पूछती हैं एंड आपको उसका भी रिप्लाई करना होता है. तो ये कुछ एडिशनल, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो. अब बात आती है कि आपको कोई ये सब बताने के पैसे क्यों देगा. देखो, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, एंड प्रोडक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आप वेबसाइट को ले सकते हो, तो अपनी वेबसाइट या ऐप्स लॉन्च करने से पहले वो अपना यूज़र एक्सपीरियंस जानना चाहती हैं. जैसे कि आप इंस्टाग्राम रोज़ यूज़ करते हो तो वो इतना एडिक्टिव क्यों है. रील्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट करी आपको 10-20-30 सेकेंड का एक वीडियो दिखा के आपका माइंड अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी. तो हर ऐप हर वेबसाइट चाहती है कि यूज़र अगर उस पर क्लिक करे या उस पर आए तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए उस पर रहे. तो वो तभी रहेगा जब उसमें बहुत मिनिमम बग्स होंगे, ठीक है, ना के बराबर बग्स होंगे, एंड आपका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा हो पाएगा. आप इजीली चीज़ें सर्च कर पाओगे. जैसे आप इंस्टाग्राम में देखते हो, आप नीचे सर्च कॉलम में जाके टाइप करते हो और उसके बाद आप सर्च मार सकते हो चीज़ें, आप हैशटैग्स यूज़ करके सर्च मार सकते हो एंड आप अपलोड कितना इजीली कर सकते हो. तो ये सारे आपके यूज़र एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए जो भी टैक्टिक्स फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं ताकि आप ज़्यादा टाइम तक उस पर टिक पाओ, इसके लिए आपका यूज़र एक्सपीरियंस का सारा काम आता है यूज़र टेस्टिंग का. सो ये तो बात हो गई थी कंपनी के पर्सपेक्टिव से. अब बात करते हैं टेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इसमें हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं. देखो, कोई लिमिट नहीं होती ऑनलाइन, जब भी आप काम करते हो कोई लिमिट नहीं होती एज सच. बात ये होती है कितना काम अवेलेबल होता है और आप कितना काम कर पाते हो, ठीक है. तो जो वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ मेंशन है जो रेट्स, वो ये बोलते हैं कि आप $4 कमा सकते हो मिनिमम छोटे टास्क के लिए. जब टास्क लेंदी होते हैं, मतलब 15 से 20 मिनट के टास्क हो जाते हैं, तब आप $10 कमा सकते हो, और अगर लाइव इंटरव्यूज़ होते हैं तो आप $30 से $120 कमा सकते हो. तो अब आपको किस टाइप के टास्क मिलते हैं एंड आप कितने टास्क परफॉर्म करते हो, कितने वीकली टास्क परफॉर्म करते हो, उस पर डिपेंड करता है. तो क्या ये एक लेजिटिमेट वेबसाइट है, क्या ये रियल है? ऑब्वियसली ये रियल है, मैंने भी इस पर अर्न किया है. मैंने पर काम किया था कभी 2019 में, इसलिए मैं उसको अभी शेयर नहीं कर रहा. बाकी आप इस पर काम कर सकते हो. इसका जो आपका टेस्ट का प्रोसेस है वो आपको पास करना होता है, ठीक है. आपको एक स्टार्टिंग में टेस्ट दिया जाता है जहाँ पे आपको वेबसाइट पे आपको एक वेबसाइट दी जाती है और कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, तो आपको सर्च करके दिखाना होता है. सर्च करके दिखाना कैसे होता है, क्योंकि आपकी वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आपको अपनी बोलना होता है कि आपको क्या दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ पहुँचे, तो ये सब करना होता है. तो डेफिनेटली ये एडिशनल इनकम बहुत अच्छी आपकी बन सकती है. अब सपोज करो आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, या आप कोई भी स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो एंड आप पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो, तो आप इजीली ये 1-2 घंटे अपने दिन के स्पेंड करके $20-30 कमा लोगे, ठीक है. तो $20 कितने होते हैं, आप अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो वो होते हैं करीब आपके 1400 के आसपास. हम एक 1300 फिगर लेके चलते हैं. तो अगर आप 1300 रुपये कमा रहे हो एंड आप 5 दिन भी काम करते हो, आप 5 × 1 = 15, आप 6500 आप कमा सकते हो, ठीक है, हफ्ते के. एंड उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 20-25 हज़ार आप आराम से इससे कमा सकते हो अगर टेस्ट अवेलेबल होते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभार क्या होता है कि आप साइन अप कर रहे हो वेबसाइट पे और क्या हो रहा है कि आपका जो वहाँ पे सीट्स फुल हैं सारी, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, तो इस केस में वो अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, एक हॉल्ट पे ले आते हैं. तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप थोड़े दिन वेट करोगे, थोड़े वीक्स वेट करोगे और उसके बाद दोबारा अप्लाई करोगे जब विंडो खुलेगी, एंड फिर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो. तो अब जैसे कि जितना ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है, जितनी लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है कि वो ऑनलाइन इनकम कमा सकते हैं, तो इन सब कामों में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सिर्फ यूज़र टेस्टिंग पे रिव्यूज़ दे के बहुत सारे पैसे अर्न कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप बाकी वेबसाइट्स पे भी अप्लाई करो, एंड उन वेबसाइट्स का नाम कुछ है AppIntelis International. और इस पर काम क्या होता है, इस पर कोई आपका वॉइस प्रोसेस का काम नहीं होता, जैसे आपको कोई रिव्यूज़ नहीं देने, आपको जजमेंट देनी होती है, बट
वो डिफरेंट काम होता है थोड़ा। एंड अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आई बटन में वीडियो लिंक कर देता हूँ, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और आप इन सारी वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो मेरा मेजॉरिटी फोकस होता है इस चैनल पे वो यही है कि आप ऑनलाइन इनकम कैसे अर्न कर सको, आप एक पार्ट टाइम अपनी इनकम स्ट्रीम कैसे बना सको एंड आप घर पे कैसे काम कर सको। तो आप ये वीडियोस चेकआउट करो, डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप नए हो इस सारे नीश में, इस सारे डोमेन में, तो आपको पता चल जाएगा। एंड लास्टली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं और ऐसा कंटेंट रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। एंड अगर आपको कोई आपका फ्रेंड है या कोई कलीग है या कोई भी कज़न है जो ढूंढ रहा है ऑनलाइन तरीके पैसे कमाने के, तो आप ये लिंक्स उनसे शेयर कर सकते हो, ये वीडियोज़ उनसे शेयर कर सकते हो, क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।